हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने पकवान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए छोटी सी वीडियो बना लेके आई हूँ और उस वीडियो में मैं आपको कुछ सीक्रेट ट्रिक दिखाऊंगी और ख़ास करके मैं उन महिलाओं के लिए लाई हूँ जो बेचारी सुबह सुबह भागम भाग में कुछ उल्टा सीधा बनाती हैं, इसलिए उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और जो लेडीज़ जॉब करती हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो मैं आज उनके लिए एक प्याज स्टोर करने के लिए छोटी सी वीडियो बनाने के लेके आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं वो वीडियो शुरू करती हूँ। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने ये प्याज लिए, कुछ ये ली होगी आधा किलो के आसपास। तो दोस्तों अब मैं इसको, तो दोस्तों ये मैंने आधा किलो प्याज ली है, अब मैं इसको छील लूँगी। अब सारी प्याज ऐसे ही छील लेंगे, सिर्फ छिलके छिलके उतार के लेते आते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने छिलके अलग कर लिए हैं और ये प्याज मैंने छील के ये रख लिए हैं। अब इनको हम साफ पानी में धो के लेके आ रही हूँ। देखिए दोस्तों, तो मैंने ये पानी लिया है और इसमें सारी प्याज डाल दी है। ये देखिए, आपको दिखाई दे रही, ये पानी लिया है, अच्छे से साफ करना है। यदि इसमें थोड़ी सी भी गंदगी या मिट्टी कुछ रह गई तो ये प्याज सड़ा देगी, इसलिए इसको साफ करके मैंने कितना सारा पानी लिया ये देखिए। अब हम इसको अच्छे से एक एक प्याज निकाल लेंगे। ये देखिए, अब ये हमने प्याज सारी धो के साफ करके निकाल ली है पानी से। अब इसको हम क्या करेंगे, एक घंटे फैन के नीचे रख देंगे, क्योंकि किसका सारा पानी सुखाना है, या धूप में रखेंगे तो बाहर की गंदगी आ जाएगी, इसलिए हम फैन के नीचे रखेंगे, सारा पानी सूख जाएगा। सारा पानी सूखने के बाद फिर हम इसको किसी डब्बे में रखेंगे, तब तक के लिए मैं पंखे में रखे आती हूँ उसको। देखिए दोस्तों, ये मैंने एक घंटे पंखे के नीचे सुखा के लिए रखी है। देखिए इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, पानी सूख गया है। अब हम इसको 4-5 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर कैसे करेंगे, तो हम एक डब्बे में भर के रखेंगे इसको। तो ये मैंने आधा किलो प्याज लिया है, मैं इसको स्टोर करके दिखाती हूँ। ये मैंने एक कंटेनर लिया है, ये छोटा सा ही है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता है, एयर टाइट नहीं है, नॉर्मली ही कंटेनर है। अब देखिए मैं इसमें इस प्याज को रखती हूँ। ये देखिए मेरी ये 5-6 प्याज आ गई हैं, कुछ बाकी मैं डब्बे में रखूंगी। और ये नॉर्मल है, एयर टाइट डब्बा नहीं है, और मैं इसको बस ऐसे सुखा के और इसको मैं रख दूंगी बंद करके, फ्रीजर में नहीं रखूंगी, नॉर्मल फ्रिज में रखूंगी इसको। अब मैं इसको फ्रिज में रखूंगी और सुबह सुबह भाग दौड़ में, भागम भाग में, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना है, बच्चों को चाउमीन बनानी है या सब्जी बनानी है, अब किसी में भी डाल इसको जल्दी से यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली एक प्याज निकालो, काटो, ना धोने का झंझट, ना धोने का झंझट, ना आपको छीलने का झंझट, और फटाफट अपने काटो और जल्दी से आप बच्चों का टिफ़िन या फिर सब्जी जो मर्जी बनाओ, एकदम फ्रेश प्याज रहेगी और ये
फ्रिज में ही रखनी है, ये ध्यान रखना है। लेकिन इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, ना कोई गंदगी रहना चाहिए। ये सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए बना रही हूँ मैं जो सुबह सुबह की भागम भाग में रहती हैं और उनके पास टाइम नहीं होता है और ज़्यादा बिजी रहती हैं, या फिर ज़्यादा खाना बनाना होता है सुबह सुबह जल्दी, तो प्याज कटी हुई मिल जाए तो फिर बात ही क्या है, थोड़ा टाइम भी बच जाता है और हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। तो चलिए, यदि इस प्याज की ट्रिक आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा स्टोर भी कर सकते हैं।